दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि नूतन जी पर फिल्माया गया बॉलीवुड का सबसे पहला गीत कौन सा था। जी हाँ, आज का टॉपिक यही है। नूतन जी ने बहुत सारी हिंदी सुपर डुपर हिट फिल्मों में काम किया। उनका रोल कमाल का रोल होता था। कई उनको फिल्म फेयर अवार्ड्स भी मिले। तो नूतन जी ने लगभग 80 फिल्मों में काम किया। इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे गुजारिश है कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ दिए गए बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर दीजिए। नूतन जी का जन्म 4 जून सन 1936 को हुआ था। उनकी जो माता थी शोभना सामंत, जी हाँ, वो भी फिल्मों की बहुत सुप्रसिद्ध अपने जमाने की हीरोइन रही है। दोस्तों, उन्होंने ऐसी ऐसी कमाल की फिल्में की हैं दोस्तों उस जमाने में। तो आइए आगे वीडियो को बढ़ाते हैं दोस्तों। पहले हम बात करते हैं कि नूतन जी की जो फिल्में थी, उनके जो कैरियर की फिल्में थी, नगीना एक सन 1951 में उनकी फिल्म आई थी, हम लोग भी उसी वर्ष फिल्म आई थी, शीशम 1952 में फिल्म आई थी, पर्वत एक फिल्म आई थी दोस्तों, लैला मजनू एक फिल्म आई थी, शबाब सीमा, सीमा तो कमाल की फिल्म थी, बलराज सानी साहब के साथ वो फिल्म थी, हीर थी, बारिश थी, पेइंग गेस्ट थी, जिंदगी या तूफान थी, दिल्ली का ठग थी दोस्तों, कभी अंधेरा कभी उजाला, सोने की चिड़िया, आखिरी दाव, उसके बाद लाइट हाउस, अनाड़ी, राज कपूर साहब के साथ उनकी ये फिल्म आई थी दोस्तों, कन्हैया फिल्म आई थी, सुजाता फिल्म आई थी, छलिया फिल्म आई थी, दिल ही तो है चांदी की दीवार जैसी फिल्में, खानदान, सुनील दत्त साहब के जो साथ जो फिल्म आई थी, उसके बाद सुनील दत्त साहब के साथ एक और फिल्म उनकी आई थी, मिलन फिल्म आई थी दोस्तों, वो भी कमाल की फिल्म रही थी उनकी दोस्तों। तो एक फिल्म और रह गई आपको बताने के लिए, सरस्वती चंद्र जो दोस्तों फिल्म थी, उसमें भी उन्होंने कमाल की एक्टिंग की थी दोस्तों। तो आइए बात करते हैं कि नूतन जी ने सबसे पहले कौन सी फिल्म में उनके ऊपर गीत फिल्माया गया था दोस्तों। जी हाँ, एक फिल्म आई थी सन 1950 में, फिल्म का नाम था हमारी बेटी। फिल्म को प्रोड्यूस और डायरेक्ट किया था उनकी माताजी शोभना सामरथ ने दोस्तों, क्योंकि उन्होंने नूतन को फिल्म में लॉन्च करना था। एक तरह से 14 साल की नूतन थी और साथ में उन्होंने उससे जो छोटी बेटी थी तनुजा, उनको भी फिल्म में लिया था। मेन लीड पे जो थी वो तो शोभना सामरथ ही थी, लेकिन क्योंकि बच्चे के आसपास कहानी पूरी घूमती है तो फिल्म में नूतन जी को लिया गया था, 14 वर्ष की जैसे बताया कि उनकी उस समय उम्र थी। कॉमेडी भी थी फिल्म, फिल्म कहानी कमाल की थी दोस्तों। फिल्म का जो संगीत दिया था, स्नेहल भाटकर साहब ने उसका संगीत दिया था दोस्तों, इसको जो लिखा था वो मोतीलाल ने इसको लिखा था दोस्तों। तो इसमें गाने भी स्नेहल भाटकर साहब ने जो संगीत दिया था उसमें नूतन जी के ऊपर एक बेहद ही खूबसूरत उन्हीं की आवाज में गीत गाया था और फिल्माया भी उन्हीं के ऊपर गया था दोस्तों। तुझे कैसा दूल्हा भाई रे, ये बहुत ही प्यारी, बहुत ही स्वीट, खूबसूरत आवाज में नन्ही सी बच्ची गाती है इस फिल्म में जो गीत रखा गया था नूतन जी के ऊपर। तो ये तो एक छोटी सी जानकारी थी नूतन जी के बारे में कि उनके ऊपर कौन सा गाना फिल्माया गया है दोस्तों। तो वीडियो यदि अच्छा लगा तो इसको लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।